है। चलो यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट वन एम फ्लोइंग करेंट फ्लोइंग सर्कुलर क्वाइल ऑफ रेडियस अगर एक हमारे पास सर्कुलर क्वाइल है छोटे छोटे क्वेश्चन है जो रेडियस पॉइंट वन मीटर है और इसमें जो करेंट है वो भी पॉइंट वन एम्पियर फ्लो हो रही है अभी कहता है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स वन थाउजेंड है वन थाउजेंड दे दिए गए हैं तो कहता है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग बी है अब यहाँ पर जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा ऑब्वियसली हम उसको पहले से फार्मूला पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वायर म्यू नॉट आई टू आर के इक्वल होता है तो म्यू नॉट की वैल्यू फोर पाई इंटू टेन की पावर माइनस सेवन और आई की वैल्यू यहाँ पर देखो पॉइंट वन एम्पियर है और नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो जितना नंबर ऑफ टर्न उसे मल्टीप्लाई कर दे उतनी टाइम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है तो 1000 थाउजेंड टर्न वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिए और बच्चों में डिवाइड कर दूँ टू और रेडियस से तो टू और रेडियस की वैल्यू कितनी है रेडियस की वैल्यू भी पॉइंट है तो ये पॉइंट वन और मीटर में था तो ये पॉइंट ने इस पॉइंट को ख़त्म कर दिया और ये टू टाइम्स कैंसिल हो गया तो यह जाएगा टू पाई इंटू टेन की पावर माइनस फोर और टू पाई और टेन की पावर माइनस सिक्स पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो टू एट इंटू टेन की पावर माइनस फोर टेस्ला तो सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेन की पावर माइनस फोर मतलब ये ऑप्शन सही है और अगर करंट ऐसे फूल फ्लो हो रहा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा